नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज ट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जी हां, अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ी मीटिंग समाप्त की है, और भाई बहुत ही बड़ी मीटिंग समाप्त करने के बाद बहुत बड़ा फैसला लिया है। पूरे देश में बहुत ही बड़े नियम लागू करने जा रही है केंद्र सरकार, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपको बता दें, लगातार केंद्र सरकार नए नए फैसलों से पूरे देश को चौंका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के अवसर पर बड़े फैसले लिए हैं। जी हां, और आने वाली 25 जून 2024 से आपको पूरे देश में कुछ नए नियम देखने को मिलेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। गरीब परिवार देख करके नाचने लगेगा और कूदने लगेगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप तक शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जी हां, फ्री में सोलर पैनल आपके घरों की छतों पर 25 जून से लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं अब मकान नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, केंद्र सरकार दे रही है 1 लाख रुपया। जी हां, लगातार केंद्र सरकार मकान के लिए पैसे भी देती है और मकान भी देती है, लेकिन इस बार 2 से लेकर 5 दिन के अंदर ही आपको पैसा दे दिया जाएगा। नई इन्फॉर्मेशन है, वही हम बात करेंगे। अगर आप अभी लेबर कार्ड बनवाते हैं तो तुरंत आपके बैंक अकाउंट में 1,100 रुपया डाल दिया जाएगा, यानी कि 1,100 रुपये की राशि डाल दी जाएगी। वहीं अलग से भी आपको फ़ायदा होगा, आपको बताएंगे। लगातार ये नई इन्फॉर्मेशन अभी अभी 10 मिनट पहले ही आई हुई है। उससे पहले आप अपने गांव, शहर या राज्य का नाम कमेंट कीजिएगा, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो आपके गाँव, शहर, राज्य से जुड़ी हुई हो। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, सोलर पैनल का जो काम है अब केंद्र सरकार लगातार तेज़ी से कर रही है। अगर आपके घर में आप बिजली यूज करते हैं और बिजली के बिल से परेशान हैं, ज़्यादा बिल आपका आता है और आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, यानी कि भाई मिडिल क्लास परिवार और BPL के परिवार दोनों ही परिवार शामिल कर लिए गए हैं इस बार केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बार जो फॉर्म भरेंगे सोलर पैनल के लिए, 2 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम तेज़ी से किया जाएगा। 25 जून से उन परिवारों की घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिन परिवारों ने पहले आवेदन किया था। आपको बता दूं, लगातार केंद्र सरकार ने फ्री बिजली योजना 2024 को जनवरी में ही लॉन्च किया था। अब तक लाखों लोगों ने आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक भी केंद्र सरकार ने इनकी घरों की छतों पर सोलर पैनल नहीं लगाए थे। आने वाली 25 जून से इनके घरों पर सोलर पैनल लगाने का काम किया जाएगा। इस बार अगर आप आवेदन करते हैं सोलर पैनल के लिए, तो जुलाई के पहले हफ्ते में ही आपके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और आपसे 1 भी रुपया बिजली का अब बिल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजली का बिल आएगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। केंद्र सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी योजना है फ्री बिजली घर योजना। जी हाँ, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, अगर आपके पास ई श्रमिक कार्ड है और आप दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अब लेबर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया है। जी हाँ, वे प्रत्येक ई श्रम कार्ड धारक अब लेबर कार्ड बनवाएं। सरकार ने लेबर कार्ड बनवाने के बहुत ज़्यादा फायदे बताए हैं। जी हाँ, जैसे आप लेबर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सरकार तुरंत आपके बैंक अकाउंट में 1,100 रुपये की राशि डालेगी। जी हाँ, 1,100 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंटों में डालेगी। वहीं अगर आप तुरंत से ही इसके लिए, अगर आप एक लेबर हैं और कुछ अपना रोजगार करने के लिए आपके पास कुछ साधन जुटाने के लिए भी आपके पास कुछ पैसा नहीं है, और आप अपने कुछ औजार लाना चाहते हैं, अपना कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार आपको अलग से 2,000 रुपये से 2,500 रुपये अलग से दे रही है, और आप तकरीबन 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की सफ़र कर करके अपना काम करने जाते हैं, या फिर आप कहीं पर काम करते हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं, उनको सरकार 5,000 रुपये साइकिल योजना के तहत भी देने का काम करेगी 25 जून से। भाई
जी हाँ, इसके लिए भी फार्म जो है वो ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे सीएससी सेंटर, अटल सेवा केंद्र या फिर आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है भाई। वही हम बात करें, जिनके पास ई श्रम कार्ड है वे प्रत्येक लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना है, सभी राज्यों में लागू रहेगी। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, अगर आपके पास मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी हाँ, लगातार प्रधानमंत्री ने पहले भी आवास बांटे हैं, इस बार 3 करोड़ लोगों को आवास बांटने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आने वाले 25 जून से मकान योजना के तहत आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं। जी आपको बता दें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो गांव में रहते हैं, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार अब मकान नहीं 1 लाख रुपया देगी। भाई 1 लाख रुपये क्यों दिया जा रहा है ये आप समझ लें। जिनके पास मकान है, टूट चुका है या कच्चा मकान है, झुग्गी झोपड़ी है, 3 टप्पड़ है, कैसा भी मकान है जो कि भाई जर्जर हो चुका है, टूटा हुआ है, झुग्गी झोपड़ी है, वो अपने मकान को सही करवाने के लिए या अपने मकान को पक्का बनाने के लिए सरकार से 1 लाख रुपया ले सकता है। सरकार ये पैसा आपसे उल्टा भी नहीं भरवाएगी, क्योंकि सरकार आपको पैसा दे रही है। भाई हम बात करें, जिनके पास मकान है ही नहीं, बिल्कुल भी मकान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने अब लकी ड्रा के माध्यम से एक फार्म निकालने की तैयारी की है। 25 जून से एक फार्म निकाला जाएगा, अगर आप उसमें आवेदन करते हैं, आपको बता दें भैया 1 लाख लोगों ने अगर आवेदन किया है तो 25,000 लोगों का ही फार्म सरकार पास करेगी, यानी कि जो पहले भरेगा उसको पहले फ़ायदा होगा। 100-100 गज के जो प्लॉट है वो सरकार देने का काम करेगी इस बार, और भाई जो पहले फार्म भरेगा उसको पहले फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार की योजना है, 100-100 गज का आपको प्लॉट सरकार देने का काम करेगी 25 जून से। तो ज़रूर आवेदन कर लें जो गांव में रहने वाले लोग हैं। वहीं जिनके पास मकान है, टूटा हुआ मकान है, वो 1 लाख रुपये के लिए आवेदन कर लें। बहुत बड़ी स्कीम है भाई, ये भी बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है योग दिवस के इस त्यौहार पर। जी हाँ, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, सरकार ने अब महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। जिन महिलाओं ने जनवरी 2024, फरवरी और मार्च 3 महीने के अंदर अंदर सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर रखा था, 25 जून से उनके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये की राशि जारी की जाएगी। जिन्होंने सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर रखा था, प्रशिक्षण भी ले रखा था, यानी कि हम बात करें जिन्होंने प्रशिक्षण भी ले रखा था, उनको सरकार पैसे जारी करेगी। इस बार जो नए आवेदन करेगी उनको जुलाई में पैसे जारी होंगे, प्रशिक्षण भी जुलाई में मिलेगा, तो भाई नए आवेदन भी कर सकती हैं, और पुराने जिन्होंने कर रखा था उनको फ़ायदा 25 जून से मिलेगा। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएँ आती रहेंगी, छोटी बड़ी सभी की जानकारी मिलती रहे। यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।